तीन प्रकार से पराठा बना करके आप लोग को दिखाया हुआ है, ये देख आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रंजना वेज फूड चैनल में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो आज मैं आई हूँ मेथी के खेत में और यहीं से मैं मेथी लूँगी। और मेथी का मैं क्या बनाऊँगी और कैसे बनाऊँगी, किन किन सामग्रियों से बनाऊँगी, इसके लिए तो आप लोग को मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। आइए आप लोग को मैं मेथी का पेड़ दिखा देती हूँ और मेथी की पत्तियाँ हम लेंगे। तो चलिए, और दोस्तों हमने मेथी की पत्तियाँ लेने के लिए ये डेलरी लिया हुआ है, इसी में लेंगे। तो आइए आप लोग को हम दिखा दें थोड़ा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं खेत में और यही मेथी का पेड़ है, आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा है। तो इतना सारा है मेथी, और भी था इधर, इतना सारा उखाड़ कर मार्केट में बेचा जा चुका है और इतना सारा है तो यहीं से हम लेंगे। तो दोस्तों जिनका खेत है उन्होंने कहा है कि इसको मतलब आप उखाड़ लीजिए, इसकी पत्ती मत तोड़िए, क्योंकि इसको बेचने के लिए बोया गया था। तो हम भी इसको उखाड़ लेंगे, फिर घर पर लेकर चलेंगे, तब इसकी पत्तियां हम तोड़ेंगे। आइए आप लोग को थोड़ा हम नज़दीक से दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, ये मेथी की पत्ती फूल हैं। ये देख रही है कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए छोटे छोटे से हैं, ये देखिए। तो इसी में से मेथी फरता है, एक पेड़ में काफ़ी सारी मेथी निकलते हैं। तो चलिए अब यहीं से हम इनको उखाड़ लेते हैं। देखिए बहुत ही आराम से ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चाची जी हैं और इन्हीं का खेत है। तो ये भी हमारे साथ हमारी हेल्प कर रही हैं, उखड़वा रही हैं। सर बस बुढ़ापा है। तो चाची मतलब ये मार्केट में बेचा जाता है, माने 100 रुपया धरा बेची। 100 रुपये धरा। तो दोस्तों चाची जी बता रही हैं कि 100 रुपये धरा इसको बेचा जाता है मार्केट में। तो काफ़ी सारा लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा कि कितना सारा बेचा जा चुका है, इतना सारा है और भी काफ़ी सारा बोए हुए हैं, भी छोटे छोटे हैं, ये तैयार हो चुके हैं। तो हमको भी जितना बनाना है उतना ही हम लेंगे। तो दोस्तों हमने इतना सारा उखाड़ लिया है, ये आप लोग देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इनको हम लेकर चलेंगे घर पर। तो हम चाची जी को पैसा दे दे रहे हैं, दीजिए चाची जी। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर पर। दोस्तों मेथी को लेकर के हम अपने घर पर आ चुके हैं। तो चलिए अभी हम अपने इनके चूल्हे के पास लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेथी है इसकी पत्तियां हम तोड़ेंगे। ये आप लोग देखिए, देखिए इतनी से जो बड़ी बड़ी सी पत्तियां दिख रही है, इसकी पत्तियां ही हमको लेना है। तो पत्तियों को हम तोड़ लेंगे और इसको तोड़ करके हम थाली में रखते जाएंगे। इसका डंठल हमें नहीं लेना है, सिर्फ पत्तियों को ही लेना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से मैं मेथी की सभी पत्तियां तोड़ लूँगी और तोड़कर इनको बहुत ही अच्छी तरह से धुल करके सुखवा लेंगे इसका पानी। तो दोस्तों ये मेथी जो होती है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए। और सर्दियों में मेथी का पराठा बना करके खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आता है। और सर्दियों के दिनों में ये तैयार होता है मेथी, और मतलब घर पर भी लगाया जाता है और मार्केट में भी मिलता है बहुत ही आसान तरीके से। तो मेथी की सभी पत्तियाँ हमने तोड़ लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से धो भी लिया है, धोकर इनको साफ़ कर लिया है। तो आइए आप लोग को इधर भी हम दिखा दें कि हमने क्या क्या लिया हुआ है।
तो हमने लिया हुआ मेथी की पत्ती और इधर हमने लिया हुआ गेहूं का आटा और ये रिफाइंड का तेल है और जीरा और ये है बेसन और ये हमने हरी धनिया और हरी लहसुन की पत्ती और हरी मिर्च को पीस लिया है और इधर हमने लिया हुआ हींग और ये अजवाइन और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर। तो इतना सारा सामग्री हमने लिया हुआ है। तो चलिए अब मैं चूल्हा में आग को जला लेती हूँ। तो चूल्हा में हमने आग को जला लिया है, चूल्हा पर रख देते हैं हम तावा। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, हमारा गर्म हो गया। इसमें हमने जीरा डाल दिया है, जीरा हमारा चिटक रहा है तो अब मैं इसमें मेथी की पत्तियाँ डालूंगी। तो हम इनको निकाल लेते हैं एक थाली में। मेथी की पत्तियों को हमने ज़्यादा नहीं भुना हुआ है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर किया हुआ है। कितना ढेर सारा था और भी कितना थोड़ा सा हो गया है। तो चलिए हम आटा को गूंथ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आटा में बेसन डालेंगे। बेसन डालने से हमारे पराठा का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इधर हमने जो लिया हुआ है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग और अजवाइन, इनको भी हम डाल देंगे। और ये हमने जो हरी धनिया और हरी लहसुन की पत्ती और हरी मिर्च को पीसा हुआ है इनको भी हम डाल देंगे। और ये मेथी की पत्ती। और अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा। चलिए अभी सभी चीज़ों को मैं आटा में मिला देती हूँ। सभी चीज़ों को हमने मिला दिया है आटा में। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूंथूंगी। तो सभी चीज़ों को हमने मिला करके आटा को बहुत अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तो चलिए अब हम पराठा को बना लेते हैं। और इतना सा लोई तोड़ेंगे और इसको हम गोला करेंगे, फिर से चपटा कर देंगे। तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पैथन लगा लेंगे तो हमारा पराठा अच्छी तरह से बेल लेंगे हम इसको। पराठा को हमने बेल लिया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो अभी इसको हम थाली में रख देते हैं। और चलिए अभी हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। तो चलिए अब मैं इस पराठा को कुछ दूसरे तरीके से बनाने वाली हूँ। तो इसको हमने इतना बड़ा सा बेल लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे और इसको हम इतना इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और फिर इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम इसको बेलेंगे। तो पराठा को हमने बेल लिया है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको बेला हुआ है। तो इसको भी हम थोड़ा थाली में रख लेते हैं। अब आइए अब हम तीसरा वाला पराठा भी बना लेते हैं। तो हमने इसको इतना बड़ा सा बेल लिया है, बिल्कुल जितना बड़ी हमने रोटी बेलते हैं उतने बड़े हमने इसको बेला हुआ है। तो इसको अभी हम इस तरफ से मोड़ेंगे और इसको इस तरफ से और इसको इतना और ऐसे। चलिए अब इसको हम ऐसे बेल लेते हैं। तो इसको भी हमने बेल लिया है बिल्कुल इस तरीके से, ये आप लोग देख लीजिए। तो इसको भी हम थाली में रख देते हैं। तो चलिए अभी हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा को हम डाल देते हैं तवे पर, हम पराठा को पलट देते हैं और इधर हम तेल लगाएंगे इस पर ऊपर से। तो हम दूसरी तरफ पलट कर लगाएंगे।
तो पराठा हमारा पक चुका है, इनको हम निकाल कर रख लेते हैं थाली में। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी हम दूसरा वाला पराठा बना लेते हैं, पलट देते हैं दूसरी तरफ, इधर तेल लगा देते हैं हम, फिर पलट देते हैं दूसरी तरफ, इधर भी हम तेल लगा लेते हैं। अभी पराठा हमारा बन चुका है, देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। तो इसको भी हम निकाल कर थाली में रख लेते हैं, अभी हम बना लेते हैं। तो अभी हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे, इस पर लगाएंगे तेल। दूसरी तरफ इस तरफ भी तेल हम लगा देंगे। हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए, इसको भी हम निकाल करके थाली में रख देते हैं। तो हमने तीन प्रकार से पराठा बना करके आप लोग को दिखाया हुआ है, ये देख आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलिए मैं सभी पराठा को बना लेती हूँ। तो पराठा हमारा एकदम से बनकर रेडी हो चुका है खाने के लिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं पराठा हमारा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसको हम ऐसे तोड़ करके और चटनी में लगा करके इस तरीके से खा सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो आज मैंने तीन प्रकार से पराठा बनाना बताया हुआ है, आप लोग भी इस पराठे को इसी तरीके से बनाकर बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका पराठा कैसा बना हुआ था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी मेथी का पराठा, और आज की मेरी रेसिपी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरी मेथी का पराठा किस तरीके से बना हुआ है और आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए रंजना बेस्ट फूड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।